बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपना बहुत सा ख्याल भी रखते होंगे। स्टूडेंट हमारा ये कंप्लीट होगा था कन्वर्ट फॉर लेसन, जैसे उसका पेज नंबर 20 रह गया था तो अभी हम इसको कर लेते हैं। पेज नंबर 20 का क्वेश्चन पीछे लिखा है 19 पे, से विच द फॉलोइंग ऑन पेज आर फ्रेजेस, नोट दैट पंचुएशन हैज नॉट बीन इंक्लूडेड। उसमें पंचुएशन का कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने देखना है कि पेज 20 पे कौन कौन से फ्रेजेस थे। कल हमने फ्रेजेस के बारे में सीखा, ठीक है। ओवर द फेंस, यस, ये आपका क्या है, फ्रेजेज है, तो आप टिक लगा लेंगे ये फ्रेजेज है। शी लाइक मैंगोज, शी इसमें आ गए, जबकि फ्रेजेज में तो बताया गया कि उसमें कोई नाउन नहीं आता, तो ये क्या हो गया, शी तो प्रोनाउन है, तो ये फ्रेजेज आपका नहीं है। नाउ एंड देन, यस फ्रेजेज है। थ्री और फोर, यस फ्रेजेज है। आर यू कमिंग, इसमें देखें यू आ गया, फिर वो आ जाता है प्रोनाउन वाला, तो ये भी सेंटेंस है, फ्रेजेज नहीं है। ही किक्ड इट, ये भी सेंटेंस है, इसमें अगेन ही आया हुआ है। इन अ डिश, यस ये फ्रेजेज है। आई एम आ गया, आई भी नाउन में आता है प्रोनाउन में, तो ये भी नहीं है। दे डोंट, दे अगेन प्रोनाउन है, नहीं है। गुड एंड बैड, ये आपका फ्रेजेज है। जो जो फ्रेजेज थे उसको हमने टिक कर लिया, जो फ्रेजेज नहीं थे हमने उनको क्रॉस कर लिया, ठीक है। द एडजेक्टिव फ्रेजेज आर, आपने एडजेक्टिव्स लिखने हैं। एड सूटेबल एडजेक्टिव फ्रेजेज टू द फॉलोइंग, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो उसके साथ, जो आपको सूट कर रहा हो। कि ये शी बॉट द शर्ट एट लो प्राइस, यहाँ पे क्या लिखा है ये स्टूडेंट की राइटिंग में, एट एल ओ डब्ल्यू लो प्राइस, पी आर आई सी ई प्राइस, शी बॉट द शर्ट एट लो प्राइस। आई लुक एट द स्काई फॉर अ वाइल, आई लुक एट द स्काई फॉर अ वाइल, इसने वाइल की स्पेलिंग लिखी, गर्ल्स लिखी है, एफ ओ आर फॉर अ वाइल, डब्ल्यू एच आई एल ई वाइल। दे सॉ द फॉक्स रनिंग हैप्पीली, ठीक है, हैप्पीली रैपिडली तेज होना चाहिए, गलत इसने भी लिखा है, रनिंग आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग रैपिडली आर ए पी आई डी एल वाई रैपिडली। दिस इज अ शर्ट ऑफ ब्लू कलर, ये तो बहुत इजी आप लिख लेंगे। ही हर्ड द टाइगर रोरिंग क्वाइटली, आपके बहुत तेज से बोल रहा था। यही आज आपका टास्क है कि आपने पेज नंबर 20 करना है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह आई होप ये आपको क्लियर हो गया, तो इंशाल्लाह आप इजीली कर लेंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।